ओके सो दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ द पेशेंट, जहाँ पे हम लोग अगर फील करेंगे, सो दिस इज ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट, जो कि फीलिंग से ही पता लगता है, फोटो देख के पता नहीं लगेगा ग्लैंड या फैट है, और ये प्रोजेक्शन है. सो दोनों साइड में दिस इज टफनेस इज ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट ओनली, दिस हार्डनेस इज ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट, एंड जो सॉफ्टनेस होता है दैट इज फैटी कॉम्पोनेंट. पेशेंट को गर्मी के टाइम पे इसका प्रोजेक्शन बढ़ जाता है, सर्दी के टाइम पे प्रोजेक्शन नॉर्मल रहता है, बट जैसे ही गर्मी आती है तो जो प्रोजेक्शन होता है ये प्रोजेक्शन भी बढ़ जाता है. सो दिस टफनेस इज ग्लैंडुलर कॉम्पोनेंट बोथ द साइड. पेशेंट का एज 32 ईयर्स और वो गोवा से है, और उनका फाइंडिंग हम लोगों ने पहले दिखा दिया था. अभी सर्जरी कर दी है, यहाँ से ये दिखाओ. तो सर्जरी करने के बाद में मैंने पेशेंट को लेटा रखा है, लेटी पोजीशन में जो हाथ होते हैं थोड़ा ऊपर से दिखाना, हाथ ना ऐसे होते हैं इस पोजीशन में. सो हम लोगों को पता नहीं पड़ता स्किन पे कितना रिंकल आया है, कितना कम ज़्यादा हुआ है, राइट. ठीक है, एनीवेज मैं दिखाता हूँ. सो निप्पल का गोलाई अगर देखेंगे, छोटा सा निप्पल है, बहुत छोटा सा निप्पल है. इस छोटे से निप्पल में हमको इतना सा इंसिजन लेना पड़ा है सिर्फ. सो इससे जाके पूरा ग्लैंड और फैट निकाल दिया है. अगर मैं इसको रोटेट करूँगा यहाँ पर, सो कुछ भी नहीं है, ये ऑल खाली, दिस इज़ ऑल खाली नाउ. सो ये करने के बाद में जब मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ऐसे क्लोज कर दूंगा, तो इंसिजन दिखेगा भी नहीं. अभी पेशेंट, क्योंकि मैं पेशेंट के हाथ ऐसे कर दूंगा, तो स्ट्रेचिंग की वजह से वो समझ में नहीं आएगा कि कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट है. तो जब मैं पेशेंट को कल डिस्चार्ज कर टाइम पे खड़ा करूंगा, कंपेरिजन वीडियो बनाएंगे, तो समझ में आएगा कितना इंप्रूवमेंट हुआ है. कल देखेंगे. ओके सो बिफोर सर्जरी अपीयरेंस, ये साइड में ज़्यादा, ये साइड में कम, डायरेक्शन भी अलग अलग था निप्पल का, एक दूसरे डायरेक्शन में, अगला डायरेक्शन में. सबसे इंपॉर्टेंट, निप्पल बहुत छोटा था पेशेंट का. निप्पल देखोगे तो इट्स वेरी वेरी स्मॉल. सो अभी डिफिकल्ट क्या होता है, यहाँ पे इतने छोटे निप्पल के अंदर आपको ऑलरेडी छोटा इंसिजन लेना पड़ेगा, और उसे से वो बड़ा बड़ा ग्लैंड निकालना पड़ेगा, एंड दिस वी हैव डन. सो दिस इज पेशेंट्स अपीयरेंस आफ्टर 24 आवर्स. सो बिफोर सर्जरी एंड दिस इज नाउ. टर्न वन साइड प्लीज. ओके सो साइड व्यू में देखेंगे प्रोजेक्शन, एंड दिस प्रोजेक्शन इज गॉन, इट्स बिकम एब्सोल्युटली स्मूथ, एकदम फर्स्ट क्लास अपीयरेंस आ गया. अदर साइड प्लीज. दिस साइड, अदर साइड का अपीयरेंस देखेंगे. यहाँ पे भी एक ह्यूज बल्ज था, बॉल जैसा रखा हुआ था, एंड दिस इज नाउ नेचुरल अपीयरेंस पेशेंट का आ गया. चलो फ्रंट में आ जाओ. सो पेशेंट को बहुत छोटे छोटे निप्पल से ये ग्लैंड्स ऑफ फैट निकला है. लाइपोसक्शन इज नॉट अ बिग डील, इट्स सीरियसली नॉट अ बिग डील. इंपॉर्टेंट जो होता है वो ग्लैंड्स होता है निकालना. ग्लैंड्स आपको छोटे इंसिजन से निकालना होता है. अगर मैं वापस पेशेंट का फ्रंट व्यू देखूंगा, सो इसमें निप्पल देखूंगे, इट्स ऐसे लग रहा है जैसे 25 पैसा कॉइन होता है, उतना छोटा निप्पल है पेशेंट का. अब बाकी पेशेंट में देखोगे तो निप्पल बहुत बड़ा होता है, मोटा मोटा निप्पल होता है, तो उसमें इजी होता है निकालना. हम लोग को सपोज अगर कोई निप्पल का गोलाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो हम 3 सेंटीमीटर का इंसिजन ले लेंगे छोटा सा नीचे. अब यहाँ तो ये गोलाई जस्ट 3 सेंटीमीटर, तो उसमें भी हम लोग को पॉइंट में इंसिजन लेके देखो. अब इतना छोटा इंसिजन, इसमें जो ग्लैंड निकालना होता है ओनली वन स्टिच, तो उसी में टाइम लग जाता है, धीरे 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 सारा निकलना पड़ता है. पेशेंट पहले से एक्सरसाइज करते थे, तो उनको ये जो बचा हुआ है ये चेस्ट का मसल है, इसलिए पेशेंट का चेस्ट जो है वो फ्लैट नहीं हुआ है. जैसे कुछ पेशेंट में चेस्ट जो होता है वो फ्लैट हो जाता है आफ्टर सर्जरी, बिकॉज ग्लैंड्स और फैट पूरा निकाल देते हैं, तो अंदर उनकी मसल जो होती है वो डेवलप नहीं होती. लेकिन ये पेशेंट जो थे वो पहले एक्सरसाइज करते थे पुशअप्स वगैरह, इसलिए उनको नेचुरल अपीयरेंस चेस्ट का मिला है. अच्छा, पेशेंट हम लोग के गोवा से आए हैं, उनको मैंने रिजल्ट दिखा दिया, अगर वो सेटिस्फाई है तो उनको थम्सअप करना है. ओके फाइन. सो अभी ये पेशेंट के रिजल्ट रहेंगे, हम लोग डालेंगे ग्लैंड्स एंड फैट. ये आईडी है ग्लैंड्स एंड फैट, ये आईडी है इंस्टाग्राम अकाउंट की, इस अकाउंट पे डालेंगे. यहाँ पे गायनेकोमास्टा केसेस ही होते हैं, और इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर फॉलोअप पिक्चर्स हैं सारे. ये कैटलॉग जैसा है कि आपको किस पेशेंट का देखना है. जैसे मैं अगर ये पेशेंट का देखूंगा, ग्रेड 3 का, ग्रेड स्किन कितनी अच्छी ड्रैप होती है, पीछे जाती है, तो ये देखूंगा मैं. तो ये आफ्टर 4 मंथ पेशेंट ने मेरे को भेजा है, बिफोर आफ्टर 4 मंथ, राइट. बहुत अच्छा ड्रैप हो गया स्किन बिफोर आफ्टर 4 मंथ, राइट. सो ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स होंगे जिनको, जिनके कि ये हो गए. जैसे मैं ये वाला देखूँ, ये पेशेंट मुंबई से, और नीचे हम लोग डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ सर्जरी भी डालते हैं. कंफर्टेबल, यू आर कंफर्टेबल नो, राइट. सो नीचे डिस्क्रिप्शन में डेट ऑफ सर्जरी भी डालते हैं. अब जैसे ये पेशेंट का 2 अप्रैल 2002 को सर्जरी हुआ था, सो ये सर्जरी बिफोर सर्जरी पिक्चर है, एंड दिस इज आफ्टर 6 मंथ. दिस इज बिफोर सर्जरी एंड दिस इज आफ्टर 6 मंथ. दिस इज बिफोर सर्जरी, दिस इज आफ्टर 6 मंथ. अभी मैंने यहाँ पे 2 अप्रैल 2022 डाला है, तो आप सेम अकाउंट पे 2 अप्रैल का पोस्ट जाएंगे देखने के लिए, तो आपको पेशेंट का सारा डिटेल मिल जाएगा. सो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, ये वाला अकाउंट विजिट करके सारे पेशेंट देखना चाहिए, जिसमें आपको आइडिया हो जाएगा कैसा दिखता है, क्या दिखता है, इमिडिएटली आफ्टर सर्जरी कैसा दिखता है, फिर बाद में कैसा दिखता है,
वो डिसीजन मेकिंग जो होता है वो पेशेंट का इजी कर देता है। आई एम गोइंग टू 2 अप्रैल एंड अभी को वेरी डिफिकल्ट टू सर्च। या सो ये 2 अप्रैल का डे ऑफ सर्जरी का पोस्ट है। दिस इज 2 अप्रैल राइट। इस पेशेंट ने ये सर्जरी के बाद के पिक्चर्स हैं। सर्जरी के 6 महीने बाद पेशेंट ने फिर फॉलोअप पिक्चर भेजा जो हम लोगों ने ग्लैंड्स एंड फैट पे डाला हुआ है। सो दिस इज ऑल। अच्छा, कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको इंस्टाग्राम अकाउंट है प्लास्टिक सर्जन लोग, वहाँ पर मैसेज करना है। और इन पेशेंट के सबके फॉलोअप बाद में कैसे दिखते हैं, ये ग्लैंड्स एंड फैट इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पर डाला हुआ है, तो वो दोनों भी विजिट करना है। वो दोनों विजिट करेंगे तो एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। दूसरा, जब कॉन्टैक्ट करते हैं तो आपको एक नंबर मिलेगा कंसल्टेशन के लिए, तो आपको कंसल्टेशन करके सब पता पड़ जाएगा कौन सा हॉस्पिटल में, 3-4 हॉस्पिटल्स में काम करता हूँ, तो आपको कौन सा वाले में अपॉइंटमेंट चाहिए, डे वाइज वो सब होता है, वो सब आपको वहीं पे पता पड़ेगा। दैट इज ऑल।